दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी। जिनमें दिल्ली का द्वारका स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल, नोएडा का डीपीएस, वसंत कुंज डीपीएस, डीएवी साउथ वेस्ट, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, संस्कृति स्कूल और साकेत का एमिटी स्कूल शामिल है। दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि कल से अब तक कई जगहों पर मेल भेजा गया है और ये उसी पैटर्न पर लग रहा है। मेल में डेडलाइन का जिक्र नहीं है और बीसीसी का जिक्र है, जिसका मतलब है कि एक मेल कई जगहों पर भेजा गया है। फिलहाल जांच की जा रही है। दिल्ली साउथ वेस्ट के डीसीपी रोहित मीणा ने पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी, सुनिए। ये बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो सुबह 4:15 के आसपास एक कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को, स्कूल्स को, बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है और ये जो मेल है इस पर इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर, सेम पैटर्न आया है तो क्या लग रहा है आपको कि अभी शुरू इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की बात करें? अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली एक ये मास मेल किया गया है और इस पर सोर्स पर अभी हम काम कर रहे हैं। और ये भी सर देखने में है कि बीसीसी में स्कूल का मेंशन किया, यानी कि कई जगहों पे भेजा गया एक ही साथ। हाँ, अभी जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि किस तरह की उनको मेल आई हैं और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं। हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स। अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो मेल में मेंशन क्या किया गया है कि अगर एक प्रॉब्लम है वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कूल बच्चों पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे बच्चों के, क्योंकि काफ़ी पैनिक दिल्ली में रह के एक के बाद एक लगातार स्कूलों में इन्फॉर्मेशन आ रही है, पैनिक का माहौल है। मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें, दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है। हम वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कॉन्स्टेंट टच विथ स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो एंड आर टीम्स आर वर्किंग ऑन द टेक्निकल आस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड दिल्ली पुलिस इज कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। वहीं नोएडा की दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल कामिनी हुसैन ने बताया कि इस धमकी भरे मेल के बाद स्कूल की तरफ से क्या कार्रवाई की गई। मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है। मैम, वो मेल कहाँ से आया था वो जानकारी मिली? नहीं, वो हमें नहीं मिल पा रही, पर हमने फॉरवर्ड कर दिए हैं, पुलिस को भी कर दिया है और सब जगह। देखिए वो हम ज्यादा तो नहीं बात कर सकते, बट बाकी हम बच्चे हैं हमारे पास तो ज्यादा थोड़ा सा हम प्रिकॉशंस तो लेते हैं।